नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। जो भी साथी इसमें मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज कुछ समय दीजिए मुझे। बहुत ही व्यथित होकर मैं अभी कुछ अलग काम से जा रहा था, लेकिन मैंने समय निकाल कर ये पोस्ट डालने के बारे में सोचा। लॉकडाउन के दौरान अधिकतर लोग घरों में रहे कोरोना काल में, और ज़्यादातर लोगों का समय सोशल मीडिया पर गुजर रहा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये ऐसा सिर्फ इसी लॉकडाउन पीरियड के दौरान हुआ कि कुछ जो हमारे साथी जो मांसाहार करते हैं नॉनवेज, तो वो कुछ ऐसी पोस्ट डालते हैं जैसे कि मछली फ्राई करते हुए या चिकन फ्राई करते हुए। थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, चूँकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और अपना अपना खाने का शौक़ है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। इस पृथ्वी पर ना जाने कितनी प्रजातियां और सबका अपना अपना खाने का शौक़ है। इसी भारत के अंदर लोग मछली भी खाते हैं, बकरे को भी खाते हैं, मुर्गे को भी खाते हैं, भैंस को भी खाते हैं और कुत्तों को भी खाते हैं। हमारे मेघालय में लोग कुत्तों को भी खाते हैं। अभी एक पोस्ट आई चाइना की, मैं बहुत दुखी होकर ये पोस्ट डाल रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ। अभी एक पोस्ट आई चाइना से, खाते हैं कि एक प्लेट में कई कुत्तों के हाथ कटे हुए रखे और दूसरी प्लेट में उन्हीं हाथों को तलकर सर्व किया जा रहा है। इन पोस्टों को डालने का क्या उद्देश्य है? मैंने बचपन से देखा है, पुराणों में भी देखा है कि पहले नरभक्षी हुआ करते थे। जो भीम थे उनकी जो पत्नी थी, तो वो एक नरभक्षी परिवार से थी। वो नरभक्षी नहीं थी जो घटोत्कच की माँ थी, लेकिन वो नरभक्षी परिवार से थी। तो ये जो बहुत पुराना सिलसिला है कि ऐसे भी लोग हुए जो मनुष्यों का मांस खाते थे। मांस खा सकते हो आप, लेकिन इस चीज़ों को अगर आप फेसबुक पर शेयर करते थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अभी मेरे एक मित्र थे, वैसे मैं पूर्ण रूप से सेकुलर हूँ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सम्मान करता हूँ। जरा भी मेरे मन में किसी के प्रति कोई देशभाव नहीं। लेकिन एक मेरे मुस्लिम मित्र ने कहा कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ये अल्लाह की दी हुई नियामत है, इन्हें खा सकते भाई, खा सकते हो। लेकिन जब फिर इंसानियत, आपकी दया, धर्म छोड़ दीजिए, दया जो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर एक गुण होता है दया का, वो फिर कहाँ जाता है? आप खा सकते हो। हम कैसे आशा कर सकते हैं कि आप दयावान हो सकते हैं या आप किसी के प्रति दया दिखा सकते हैं? कैसे आशा करें? मैं साफ सुथरे शब्दों में ये कहता हूँ कि अगर कोई मांसाहार व्यक्ति है, कर सकता है वो, लेकिन एक बार वो जरूर अपने रास्ते से हट सकता है, भटक सकता है। उससे आप दया की आशा मत करिए। प्लीज़, मेरा कुल मिलाकर निवेदन ये है कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शेर मांस नहीं खाएगा तो खाएगा क्या? लेकिन जब हमारे पास सब्जियां हैं, कई शाकाहार चीज़ें हैं, हम उनको खा सकते हैं। फिर भी अगर आप मांस खाते तो आप अच्छे से खाइए, इच्छा है आपकी खूब खाइए, आपको भारत का संविधान नहीं रोकता। लेकिन प्लीज़ फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट डालने से थोड़ा बचे। आपके कई मित्र हैं जो मांसाहार नहीं करते, उनको बुरा लगता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग, जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारी मित्र सूची में जुड़े हैं, तो प्लीज़ फेसबुक पर जो मांसाहार से संबंधित, जो ये आप फ्राई कर रहे हैं, लेग फ्राई कर रहे हैं, चिकन फ्राई कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा जो है, तो प्लीज़ ऐसा मत करें, थोड़ा बुरा लगता है। आगे से आप इस तरह का ध्यान रखेंगे, आपसे निवेदन, और हमारी आपकी दोस्ती इस तरह बरकरार रहे और चलती रहे। नमस्कार।